Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's lecture we will be discussing a remedy from third prof, that is Anacardium orientale. Friends, Anacardium orientale is a remedy from vegetable kingdom and belongs to Anacardiaceae family. Anacardium orientale jo remedy hai, iska common name hota hai marking nut. Friends, jab main aapse Anacardium orientale discuss karu तो आप इनके मेंटल सिम्टम्स पर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दीज आर द सिम्टम्स जिससे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्पेशली जो Anacardium orientale के मेंटल सिम्टम्स हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो चलिए इसी के साथ इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर बिगनिंग विद टुडेज लेक्चर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट पॉइंट मेंशन्ड हियर इज सडन लॉस ऑफ मेमोरी. Anacardium orientale का जो पेशेंट होता है उसमें हमें सडन लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलता है. एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम. उसको लगता है कि वो ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. कई बार जो रियलिटी होती है वो उसको काफी ड्रीमी लगती है और कई बार उसको ड्रीम्स रियलिटी लगते हैं. सो एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम. पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस. जो पेशेंट रहता है वो अपने फॉरगेटफुलनेस से बहुत ज्यादा परेशान रहता है. वो कंफ्यूज्ड पेशेंट रहता है एंड अनफिट फॉर बिजनेस. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्वाइट कोरिलेटेबल दैट एक पर्सन है जो लॉस ऑफ मेमोरी से सफर कर रहा है या फिर जो फॉरगेटफुलनेस से डील कर रहा है वो बिजनेस के लिए अनफिट होगा. उसको चीजें भूल जाती है, ना सिर्फ ऑफिस वर्क बट ऑल्सो अगर आप उसको घर के काम से रिलेट करो तो वो कोई ना कोई चीज कहीं रखकर भूल सकता है. Disposed to be malicious, seems bent on wickedness. So ये person जो होता है वो काफी malicious होता है और काफी wicked behavior का होता है. अगर हम आगे देखें इस remedy में, so यहाँ पर लिखा हुआ है irresistible desire to curse and swear. इसका जो patient होता है उसकी आदत होती है लोगों को कर्स करने की या फिर swear करने की. जैसे suppose एक person है, उसको लोगों से जब वो बात करता है तो छोटी छोटी बातों पर वो मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर का स्वेयर ले रहा हूँ या फिर ऐसे करके या फिर किसी को कर्स करने की आदत कि आपके साथ सो एंड सो कंडीशन हो जाएगी. अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो भगवान उसके साथ ऐसा करेंगे. सो दिस इज द कंडीशन जो कि हमें देखने को मिलती है. सो इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर हमें Anacardium orientale में देखने को मिलती है. मूविंग ऑन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम एंड अदर्स. इसका जो पेशेंट होता है इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है ना सिर्फ खुद में बट ऑल्सो इन अदर्स, इन हिमसेल्फ एंड अदर्स. फील एज दो He had two wills, one commanding him to do what the other forbids. So friends, आपने अगर movies देखी होगी या फिर कभी TV serials देखे होंगे तो उसमें आपने कई बार ये situation देखी होगी that एक person है वो कुछ सोच रहा है और अब उसी के जैसे उसे दो person दिखते हैं. एक जो उसे सही बात बताता है, pros बताता है, एक cons बताता है. So यहाँ पे भी इसके पर्सन के साथ भी ऐसा ही होता है कि उसको लगता है he had two wills. एक विल क्या कर रही है, उसको कमांड कर रही है जो कि अदर उसको करने से रोक रही है. फॉरबिड मतलब उसको करने से मना करना. वाइल वॉकिंग इज एंशियस एज इफ समवन वर परस्यूइंग हिम, सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम. सो इसका जो पेशेंट होता है वो जब भी स्ट्रीट पे जाएगा तो उसको ऐसी फीलिंग आती है एज इफ समवन वर परस्यूइंग हिम, कोई उसे परस्यू कर रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है. सस्पेक्ट्स एवरीथिंग, वो सब
चीजों को, जो भी उसके आसपास चीजें होती हैं, उनको शक की निगाहों से, सस्पिशियस निगाहों से देखता है। वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, इसका जो पर्सन होता है इसकी सेंसेस काफी वीक होती हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाक विथ हीमरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट मेंटल सिम्टम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो पेशेंट होता है वो हाइपोकॉन्ड्रियाक होता है, दैट मीन्स अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करके विविड कलर्स में एक्सप्लेन करता है विथ हीमरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन। कई बार ये हीमरॉइड्स दैट मीन्स पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन से सफर करता है। स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ्स एट सीरियस मैटर्स एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स। Now this is something that is very easy to remember for anacardium, that is ka jo patient hoga wo serious matter pe laugh karega, that means uski tendency hoti hai ki wo serious situation mein laugh karta hai, matlab hasega, aur serious jab laughable situation hoti hai, jab sabko hansi aati hai to wo insaan us waqt serious rehta hai, so iska jo temper hota hai wo kafi strange hota hai। और ये है उसका एग्जाम्पल दैट लाफ्स एट सीरियस मैटर्स एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन, हियर वी हैव फ्यू मोर सिम्टम्स। थिंक्स हरसेल्फ अ डेमन एंड कर्सेस एंड स्वेयर्स। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट इसके पेशेंट में कर्स और स्वेयर करने की टेंडेंसी होती है, एंड ऑल्सो इसका जो पेशेंट होता है वो कंसिडर करता है कि वो एक डेमन है, वो एक इविल स्पिरिट है। सेंसेशन एज ऑफ अ हुप और बैंड अराउंड अ पार्ट, इसको लगता है कि इसकी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर कोई हुप या फिर बैंड है जिसने उसे टाई किया है। सो सेंसेशन ऑफ अ हुप ओवर या फिर अराउंड अ पार्ट। अगर हम हेडेक की बात करें, सो रिलीव्ड एंटायरली व्हेन ईटिंग, इसका जो पेशेंट होता है एनाकार्डियम का, इसकी प्रॉब्लम्स रिलीव हो जाती हैं व्हाइल ईटिंग। सो हेडेक इज रिलीव्ड व्हाइल ईटिंग व्हेन लाइंग डाउन एट बेड एट नाइट, जब ये लाई डाउन करेगा तो भी इसकी प्रॉब्लम से आराम मिलेगा, लाइंग डाउन एट नाइट एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग अस्लीप, और जब ये नींद में जाने वाला होता है उस वक्त। इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती कब है? वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, मोशन और काम करने की वजह से, दैट मीन्स कोई भी एक्सर्शन करने की वजह से इसके जो हेडेक की सेंसेशन है, हेडेक की जो प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट कर जाती है। अब अगर हम बात करें इसके गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सीडेंट्री पर्सन के लिए भी हम इसे दे सकते हैं। गैस्ट्रिक हेडेक, दैट मीन्स कोई भी हेडेक जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की वजह से हो रहा हो, या फिर नर्वस हेडेक के लिए भी ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। सो गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सीडेंट्री पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा फिजिकल काम नहीं करते हैं, उन्हें बैठे रहना पसंद होता है, सच पर्सन्स आर नोन एज सीडेंटरी पर्सन। मूविंग ऑन, एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसका जो पर्सन होता है उसमें टेंडेंसी होती है एप्ट टू चोक, दे हैव टेंडेंसी टू चोक विथ व्हाटएवर दे आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, दैट मीन्स कई बार कई लोग होते हैं जिनको खाना खाते वक्त खाना सरक जाता है या फिर पानी सरक जाता है, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ चोकिंग, या फिर उसको फीलिंग होगी कि वो उसकी थ्रोट में कहीं अटक गया है। स्वैलोज फूड्स एंड ड्रिंक हेस्टली, सिम्टम्स डिसअपीयर व्हाइल ईटिंग। सो इसका जो पर्सन होता है वो स्वैलो करता है फूड एंड ड्रिंक को, और वो कैसे स्वैलो करेगा? हेस्टली, दैट मीन्स बहुत फास्टली। सो स्वैलोज फूड एंड ड्रिंक्स वेरी हेस्टली एंड सिम्टम्स डिसअपीयर व्हाइल ईटिंग, दिस इज अ पॉइंट व्हिच हैज बीन रिपीटेड दैट सिम्टम्स डिसअपीयर व्हाइल ईटिंग, जब भी ये पर्सन ईट करेगा, खाना खाता है, तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब अगर हम कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स की बात करें जो कि इस रेमेडी में इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल गॉन सेंसेशन हमें मिलती है इसकी स्टमक में, सेंसेशन ऑफ फास्टिंग, इसको लगता है कि इसने बहुत देर से खाना नहीं खाया है, इसका पेट बिल्कुल एम्प्टी है, कम्स वन ओनली व्हेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज एमिलियोरेटेड बाय ईटिंग। सो इसको सेंसेशन आती है फास्टिंग की, और ये जब भी एम्प्टी स्टमक रहता है तो इसको लगता है ऐसा, और जैसे ही देखिए ये एमिलियोरेशन का साइन है, इसको एमिलियोरेशन मिल जाता है बाय ईटिंग,
एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इवन जब इसका डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है तो भी इसके पर्सन को आराम मिलता है. वार्ट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड्स, इसके जो हैंड के पाम होते हैं उस पे हमें वार्ट देखने को मिल सकते हैं. ये नेचुरल म्यूर में भी देखने को मिलता है. ग्रेट डिजायर ऑफ स्टूल बट विद द एफर्ट द डिजायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन. सो इसका जो पर्सन होता है इसमें हमें ग्रेट डिजायर मिलती है स्टूल की, बट विदाउट इवैक्यूएशन वो डिजायर क्या हो जाती है, पासिस अवे. द डिजायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन. द रेक्टम सीम्स पावरलेस, इसका जो रेक्टम होता है इसमें पावरलेस कंडीशन नहीं मिलती, पावर कम लगती है और वो पैरालाइज्ड स्टेट में या फिर प्लग्ड अप सेंसेशन में हमें देखने को मिलता है. सो पावरलेस, पैरालाइज्ड एंड प्लग्ड अप, दीज आर द थ्री पीज जो कि हम यहाँ पर रिमेम्बर कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूल ऑफ एनाकार्डियम ओरिएंटेल. सो क्या है थ्री पी में, एक है पावरफुल, एक है पैरालाइज्ड एंड प्लग्ड अप सेंसेशन, इररेगुलर पेरिस्टाल्टिक ओवर एक्शन. ये नट्स में दिया गया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनाकार्डियम ओरिएंटेल. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.